जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज मेरा 4 नवंबर यानी मेरा बर्थडे, तो दोस्तों मैं सोचा क्यों नहीं आज एक दिन आज जर्नी किया जाए। तो दोस्तों आज की जर्नी जो होने वाली है जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में, दोस्तों ताप्ती गंगा एक्सप्रेस मऊ आजमगढ़ जौनपुर सागन के रास्ते बनारस जाएगी। दोस्तों अभी वो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आएगी, तो मैं आप लोग को उसका दिखा रहा हूँ अराइवल। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गोरखपुर से चलकर कोलकाता को जाएगी, उसका डिपार्चर हो गया है। आइए उसका हम लोग डिपार्चर देखते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 से। दोस्तों यह रहा मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो पुल है। दोस्तों हम लोग को बताया गया है कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ रही है, और दोस्तों हानिचल एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 से तय समय से डिपार्चर ले रही है। दोस्तों आज की जो जर्नी होने वाली है दोस्तों, वो तो शायद हमें लग रहा है स्लीपर में होगा सर, या दोस्तों देखते हैं वो अगर एसी में अगर टीटी से बात हो जा रही है तो हो जा रहा है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का अराइवल प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे हो रहा है। दोस्तों देखते हैं इसकी लोको क्या रह रही है, और इसकी देखते हैं इसकी स्पीड क्या रह रही है इस सेक्शन पर। दोस्तों लखनऊ का WDP 4D के साथ इसको आज पुल किया जा रहा है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को। हाँ यही D1 है। दोस्तों मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। तो टीटी अंकल से बात करने पे दोस्तों 3rd AC हम लोग को मिल गया है, और दोस्तों देखते हैं इसकी इंटीरियर क्या रह रही है और इसकी स्पीड क्या रह रही है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में। दोस्तों यहाँ आप लोग को प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे खाने पीने की सामानें मिल जाएंगी आपको। दोस्तों ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 4 के बीच में वेटिंग हॉल। आइए अब हम आप लोग को एक सुंदर सा कर्व दिखाते हैं जो मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पे पड़ता है। तो ये रहा इसका कर्व जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। क्या हो गई?
दोस्तों इस ट्रेन को मऊ जंक्शन से चलने से इसकी दूसरी हॉल्ट मोहम्मदाबाद है, स्टेशन कोड MMA। दोस्तों अगर आप मोहम्मदाबाद आ रहे हैं तो यहाँ का हिस्टोरिकल मैं बता दूँ, अगर आप दीपावली के समय में आ रहे हैं तो आप लक्ष्मी पूजा जरूर यहाँ का घूमेगा, बहुत ही फेमस है। आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ का जो लक्ष्मी पूजा है वो कैसे मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों यहाँ अब यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका डिपार्चर। है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है AZM। दोस्तों यहाँ से 4 ट्रेनें स्टार्ट होती हैं, 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों जिनमें से 3 ट्रेनें एक्सप्रेस हैं और 1 ट्रेन है जो पैसेंजर है जो वाया मऊ होके जाता है। दोस्तों मैं अभी आप लोग को वो कैफियत एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आकर खड़ी है। ये रहा कैफियत एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी है, जिसमें से आप 3 3rd AC के हम सफ़र रैक भी इसमें लगाए गए हैं। दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही प्यारा दिख रहा है कैफियत एक्सप्रेस, इसे भी जल्द ही स्टार्ट किया गया है कोरोना काल में। दोस्तों अब आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कैफियत एक्सप्रेस और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। यहाँ से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का तो डिपार्चर हो चुका है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से। मैं अब आप लोग को अच्छे से दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगी है कैफियत एक्सप्रेस। भाई लोग कैफियत एक्सप्रेस में 3 3rd AC लगाया गया है, वो भी हम सफ़र रैक के, जिसमें से पहला V1 बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, यह हम सफ़र का रैक। दूसरा V2, दोस्तों 5वां लगाया गया है, तो कुछ लिखा ही नहीं है। कैफियत एक्सप्रेस में 1st AC का भी एक पुश लगा दिया गया है।
दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं सागंज रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों सागंज को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मऊ से ट्रेन आकर मिलती है और दूसरा लखनऊ और तीसरा बनारस की तरफ से। दोस्तों स्टेशन कोड SHG और दोस्तों यहाँ पे इसका इस ट्रेन का जो वो वाला रूट देख रहे हैं वो अड़िहार जंक्शन से आकर जौनपुर जंक्शन मिल रहा है, इसलिए जौनपुर को जंक्शन कहते हैं। दोस्तों सामने आपको दिख रहा है जौनपुर जंक्शन पे गुड्स ट्रेन को खड़ी हुई WDG 4G। दोस्तों यह रोजा सेट का WDG 4G यहाँ पे खड़ा है। तो अब ट्रेन पहुंच चुकी है जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों स्टेशन कोड JNU। दोस्तों यहाँ पे जौनपुर जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं वहाँ पे एक अड़िया से लाइन आकर मिली है और दूसरा मऊ से यानी सागंज से और तीसरा जो है वो बनारस चला जाता है, इसलिए इसको जौनपुर जंक्शन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जौनपुर जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जौनपुर जंक्शन से हम लोग का डिपार्चर हो रहा है। दोस्तों शीशा ख़राब हो जाने की वजह से इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वो वाला जो आप लोग को लाइन जो दिख रहा है वो जंघई जंक्शन चला जाएगा।
दोस्तों हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है BSB। हम लोग आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, दोस्तों इसका स्टेशन कोड है BSB। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में।